आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट की। इसको ना सिर्फ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो तो घोषित किया ही गया है, लेकिन ये 7 अजूबों में शुमार है। दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें से एक है ताजमहल। ताजमहल की बात करें तो भैया नगीना है ये भारत का, जो मुगल साम्राज्य के समय बनाया गया था। तो आज हम बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया ताजमहल लेक्चर 34। और देख लीजिए दोस्तों ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। आपको बता दूं वेदर के हिसाब से ताजमहल रंग बदलता है। ऐसा बोला जाता है कि जब चांदनी रात होती है तब तो ताजमहल देखने लायक होता है, चमकता है। शाम को अलग होता है, जब यहां पे तूफान आता है या बारिश होती है तब इसका अलग नजारा होता है। और खुली धूप में तो आप देख ही सकते हैं व्हाइट मार्बल का क्या खूबसूरत काम है। वैसे आपको बता दूं कि मुगल आर्किटेक्चर की हमने बात की थी, इंडियन, राजस्थानी, पर्शियन सबको मिक्स करके मुगल आर्किटेक्चर बना है। अब मुगल आर्किटेक्चर की बात करें तो जितनी भी मुगल बिल्डिंग है, मुगल सल्तनत की आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का तो आपको वर्क मिलेगा ही मिलेगा। और जो गार्डन है उनकी वो चारबाग स्टाइल है। चारबाग स्टाइल में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल की, बहुत मजा आने वाला है। सिर अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर के पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल ऐप पॉकेट न्यूज लॉन्च हो गया है, जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। जिन्होंने भी इंस्टॉल नहीं किया है नंबर रजिस्टर करिए, ओटीपी आएगा, उसके बाद करंट अफेयर्स के मजे उठाइए, चलते फिरते पढ़ते रहिए। कल्चरल साइट्स इन सब का रिव्यू हम कर चुके हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है सबके लेक्चर्स अवेलेबल है दोस्तों। 33 लेक्चर्स हो गए हैं भैया। और उसके बाद हम यहां पे हैं ताजमहल पे, सिर्फ और सिर्फ 4 लेक्चर बचे हैं दोस्तों। उसके बाद ये लंबी चौड़ी सीरीज फाइनली खत्म हो जाएगी। 2 महीने से हम इस सीरीज को देख रहे हैं और सितंबर तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सीरीज खत्म हो जाएगी। हमने यूनेस्को से शुरू की थी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, कैसे किसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है, पैरामीटर्स क्या है, फायदे क्या होते हैं, उसका लेक्चर अवेलेबल है। और आज हम देख लीजिए ताजमहल पे पहुंच गए हैं, 34 लेक्चर्स इसको मिला के हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेचुरल साइट्स हमने पूरी रिव्यू कर ली है, मिक्स्ड साइट एकमात्र भारत की जो है उनका उसका रिव्यू अवेलेबल है, जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ताजमहल की बात करें दोस्तों तो आपको बता दूं 1632 में इसको बनाना शुरू किया गया था और तकरीबन 1653 में ये बनके तैयार हुआ था, यानी कि तकरीबन 22 साल लगे थे दोस्तों। 2 दशकों बाद ताजमहल को बनाया जा चुका था, इतना ज्यादा वक्त लगा था। क्यों इतना ज्यादा वक्त लगा था, इतना खूबसूरत जो है कि आज भी देख लीजिए, सोचिए दोस्तों 500 साल पहले आज की आप रोड से देखते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं घर देखते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा रोड की तो खैर क्या हम बात ही करें, उसमें तो एक ही सीजन में ही वो ढह जाती है, सब बेकार हो जाता, गड्ढे बड़े बड़े। घर भी कितनी लाइफ होती है, 50 साल 60 साल। लेकिन देख लीजिए दोस्तों ताजमहल 1632 आज से 500 साल पहले बना, 400 साल पहले बना था, अभी तक खड़ा हुआ है और आगे आने वाले ना जाने कितने सालों तक खड़ा रहेगा। तो ये जबरदस्त आर्किटेक्चर की मिसाल है। यहां पे आपको बता दूं 20,000 लोगों को, मजदूरों को बुलाया गया था, बनाया गया था ताजमहल। बड़ा ही मुश्किल था ताजमहल बनाना, लेकिन पूरी दुनिया से यहां पे हम देखते हैं शाहजहां ने मटेरियल मंगवाया, लोग मंगवाए, हाथी मंगवाए, ताकि इस खूबसूरत बिल्डिंग को पूरा किया जा सके। किसके लिए, अपनी बीवी मुमताज महल के लिए। अपनी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जैसे ही उसका देहांत होता है सह नहीं पाए और उन्होंने ताजमहल बना दिया, क्या बात है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, ठीक है, और 2000 से लेकर 2007 ये न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल था, ठीक है, इनफैक्ट है, ठीक है। ताजमहल जो वन ऑफ द वंडर्स है तो बहुत ही खूबसूरत है,
लाखों लाखों टूरिस्ट यहाँ पे आता है, टिकट भी ज्यादा नहीं है दोस्तों। कहाँ पे है ये? अच्छा आपको पता ही है, आगरा में है, बीचों बीच आगरा के लोकेटेड है, बगल में यमुना बहती है। यमुना बहुत ही वो तो नजारा देखने लायक होता है, ठीक है ना, जब आप मतलब नदी के इस पार से व्यू करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, मैंने एक फोटो भी डाली है। तो यहाँ पे यमुना भी है, आगरा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, ज्यादा दूर नहीं है, आई थिंक स्टेशन से शायद 6 या 7 किलोमीटर होगा, और ₹50 ताजमहल का किराया है, ठीक है। फ्राइडे को बंद रहता है, बाकी हर दिन खुला रहता है, क्योंकि आपको पता ही है फ्राइडे को नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है, प्रेयर्स होती हैं, तब ये बंद रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ₹50 इसका टिकट है, और अगर आप बुक कराते हैं ऑनलाइन तो ₹5 का डिस्काउंट भी है, मतलब 10% इस पर डिस्काउंट भी अगर आप ऑनलाइन बुक करा रहे हैं, ठीक है। ताजमहल की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पे ऑनलाइन बुक करा लीजिए। सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि आप भारत के जितने मॉन्यूमेंट्स है आप उनका ऑनलाइन ऑनलाइन बुकिंग सबकी करा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से। लंबी लाइन लगती है दोस्तों, बहुत लंबी लाइन लगती है, ठीक है, कितने भी मॉन्यूमेंट्स है। और यहाँ पे आप आसानी से अपना मोबाइल खोलिए, नेट खोलिए, वेबसाइट पर विजिट करिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, या फिर ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी खुद की भी वेबसाइट होती है, लेकिन बेस्ट है एएसआई की वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। वहां पे जो भी मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट आ जाती है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कितने लोगों को जाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर लीजिए, आसानी से मजे उठाइए, आपके कम से कम 20-25 मिनट बच जाएंगे अगर लंबी लाइन होगी, ज्यादा लग जाता है वैसे, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने बहुत बढ़िया चीज बता दी। तो दोस्तों अब आपको पता ही है, जहांगीर की जब मृत्यु हुई 1627 में, तब शाहजहां आए। आपको पता ही है भैया, सबसे पहले 1526 में कौन आया? बाबर। मेरा देख लीजिएगा इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया, मेडिवियल हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की है। हाँ मुझे पता है, हुमायूं तक ही मैंने कवर किया है, उसके बाद अभी मुझे कवर करना है फिर 1530 से लेकर 1556, हालांकि 1540 तक था, लेकिन फिलहाल हम मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं 1556 तक कौन आया? हुमायूं, पता ही है। फिर उसके बाद 1556 से 1605 तक कौन? अकबर। फिर 1605 से लेकर 1627 तक कौन? जहांगीर। 1627 से लेकर 1658 तक कौन? शाहजहां। उसके बाद फिर 1707 तक औरंगजेब। ये 6 मुगल एम्परर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और जब ये आए तो इनकी रीन बड़ी तगड़ी थी, मतलब इन्हीं के ही रीन में जो मुगल साम्राज्य है वो अपने बहुत ही ऊंचाई तक गया, ठीक है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर शाहजहां की भी बात करें तो इसने ये जो ताजमहल है, ये अगर आज हम इसकी कीमत को नापे, मतलब अगर हम इसकी कीमत को देखें तो ये कम से कम 600-700 करोड़ से भी ज्यादा होगा, ठीक है। और अब आप सोचेंगे कि इतना पैसा कहां से आता था, तो वही मैं बता रहा हूं कि उस समय भारत इतना ज्यादा अमीर हो गया था, इतना अमीर हो गया था, अरे दुनिया की 1/3 जीडीपी अकेले भारत की थी, इतना ज्यादा अमीर हो गया था, यहां से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है। तो ये जो पैसा आता था बाहर से इकट्ठा कर करके, बहुत पैसा आ गया था, इसीलिए शाहजहां जो कि दीवाना था आर्ट एंड कल्चर का, इसने ढेर सारे, मोती मस्जिद हो गया, लाल किले की हमने बात की थी, इसके बाद ताजमहल हो गया, ये सारी चीजें शाहजहां ने बनाई, क्योंकि भारत के पास बहुत ज्यादा पैसा था। तो मुगल साम्राज्य स्पेशली शाहजहां के टाइम भारत अपनी बुलंदियों पे था। उसके बाद इनकी जो वाइफ थी अजमन बानू बेगम, जिनको मुमताज महल भी बोला जाता है, सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वन ऑफ द 3 क्वींस में से एक थी। इनसे शादी हुई थी 1612 में, 1631 में इनका देहांत हो गया था, 14वां बच्चा जब हुआ 1631 में इनका देहांत हो गया। उसके बाद शाहजहां ने बोला कि आज से भैया मैं एक बहुत बड़ा मॉसोलियम जो है वो बनाना शुरू करूंगा, जिसको बोला गया ताजमहल, और अगले ही साल इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ऑन योर लेफ्ट इज, ये वैसे ओरिजिनल नहीं है, डिपिक्शन है, उस समय कैमरा किसी के पास नहीं था कि सेल्फी खींच के डाल दी, तो यहां पे ये डिपिक्शन है, ऐसी रही होंगी, ये है मुमताज महल, ठीक है, और ये है शाहजहां, और इन्हीं दोनों का मिक्सचर इज इक्वल टू ताजमहल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम इतिहास की बात करें तो 1632 में इसको बनाया गया था। अब इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने रेड फोर्ट भी बनाया। तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल, रेड फोर्ट दोनों बनाया, जबरदस्त आर्किटेक्ट। पर्शिया से यहां पे बहुत सारे लेबरर्स को बुलाया गया था, एलिफेंट्स को बुलाया गया था, इंडिया, पर्शिया, ऑटोमन एम्पायर, यूरोप, हर जगह से दोस्तों बहुत सारी चीजें मंगाई गई
तभी तो दोस्तों 2 दशक लग गए, 20 साल से ज्यादा लग गए, कैसे हो सकता है इतना ज्यादा वक्त। तो जब जो अच्छी चीज होती है उसको बनने में वक्त लगता है, ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर की तो हम क्या ही बात करें, इतना खूबसूरत है दोस्तों, बस जो जाए वो देखता ही जाए, वाह ताज यही मुंह से निकलता है। यहां पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत स्टाइल है। वैसे तो दोस्तों आपको बता दूं, मेन खासियत जो इसकी है वो है सेंट्रल डोम, जिसकी हाइट 240 फीट है, ठीक है ना। जो सेंट्रल डोम है, जो बीच का गुंबद है, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको सेंट्रल डोम, ठीक है। उसके बाद 4 डोम सराउंड किए हुए हैं, दिखा ही देता हूं मैं, बेस्ट यही होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो सेंट्रल डोम है, ठीक है, और ये ऊपर ये तमगा है, ठीक है ना, ये सिंबल है मुगल्स का, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सेंट्रल डोम और ये 4 एडिशनल डोम से ये घिरे हुए हैं, ठीक है। और ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है और सब कुछ व्हाइट मार्बल से पूरा ये जो आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट किया गया है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल डोम है, फिर यहां पे हम देखते हैं कि आपको एक क्राफ्ट टेक्निक पेत्रा द्यूरा देखने को मिलेगी। ये क्या होता है दोस्तों, ये क्राफ्ट डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहां पे प्रेशियस स्टोन्स को, जैसे हीरे जवाहरात को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स बनाई जाती हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बनाई जाती हैं, जिसमें स्टोन्स जेम्स का यूज होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही मुश्किल डिजाइन होती है, लेकिन बड़ी महंगी और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अगर हम एक्सटीरियर डेकोरेशन की बात करें, दो हैं दोस्तों, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वैसे तो ये मुगली आर्किटेक्चर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ताजमहल की, तो एक्सटीरियर डेकोरेशंस और इंटीरियर डेकोरेशंस, ये दो में हम डिवाइड करते हैं। एक्सटीरियर डेकोरेशंस की बात करें दोस्तों, बाहर के डेकोरेशन, ताजमहल के अंदर नहीं, ताजमहल बाहर कैसे बनाया गया है वो तो कमाल है। कैसे कमाल है, सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डेकोरेशन, सरफेस एरिया के हिसाब से चीजों को डिफाइन किया गया है, चीजों को बनाया गया है। और यहां पे मीनार हो गया, गेटवे हो गई, मस्जिद हो गई, सब जगह आपको कार्विंग्स देखने को मिलेगी, कुरान के वर्सेस देखने को मिलेंगे, कुरान की कैलीग्राफी देखने को मिलेगी, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये दर्शाया गया है। उसके बाद यहां पे डोम्स पे, वॉल्स पे आपको ज्योमेट्रिकल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स देखने को मिलेगी, इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है, ऑक्टागोनल शेप, पेंटागोनल शेप, बहुत ही खूबसूरत, और पेत्रा दुरा भी आपको देखने को मिलेगी, ये भी जबरदस्त पेंटिंग्स। उसके बाद पर्शियन पोएम्स भी देखने को मिलेंगी, लैटिस जाली वर्क भी आपको देखने को मिलेगा, और जो गार्डन है वो तो बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों, 4 बाग स्टाइल में उसको बनाया गया। फिर यहीं पे आपको कब्र भी देखने को मिलेगी, हालांकि जो बिल्डिंग के अंदर है, क्योंकि जो असली है वो तो लोअर लेवल पे है, असली कब्र लोअर लेवल पे है, ये तो रेप्लिका है, ठीक है, उसी तरीके की, वो भी आपको मुमताज महल और शाहजहां की देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैंने उसकी पिक भी लगाई है, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों क्या है, जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको एक बहुत बड़ा गेटवे देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जो इससे पहले मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया वो एक्सटीरियर डेकोरेशन था, अभी हमें इंटीरियर डेकोरेशन भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप अंदर जाएंगे, आपको बहुत बड़ा गेटवे देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप अंदर गए बहुत प्यारा सा खूबसूरत गार्डन देखने को मिलेगा। फिर सेंटर पे है ताजमहल, साइड में 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, एक तो मस्जिद है और एक और, ठीक है, और वो पूरा रेड सैंडस्टोन, देखिए सिर्फ ताजमहल में ही व्हाइट मार्बल का वर्क है, बाकी जो इसकी दूसरी बिल्डिंग्स हैं ताजमहल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, उसमें रेड सैंडस्टोन का वर्क है, ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों यहां आपको मस्जिद भी देखने को मिलेगा, पूरा रेड सैंडस्टोन से उसको बनाया गया है और वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। अब हुआ क्या दोस्तों, जब औरंगजेब आया, अब औरंगजेब, मैंने दारा शिकोह की बायोग्राफी कवर की है, शाहजहां के 4 बेटों में से एक दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा, जो कि बेटा क्या सन्यासी ज्यादा था, जिसको गीता, जिसके एक हाथ में कुरान होती थी दूसरे हाथ में गीता होती थी, बड़ा ही टॉलरेंट राजा। अगर उस समय दारा शिकोह, अक्सर ये बहस की जाती है, अगर दारा शिकोह भारत का राजा होता तो क्या होता, कमाल हो गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, उसका अंत बड़ा ही खराब हुआ। औरंगजेब दारा शिकोह से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, शाहजहां दारा शिकोह को बहुत ज्यादा मानता था। अब मैंने उसकी बायोग्राफी पूरी कवर की है, 1 घंटे का पूरा सेशन है, आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से औरंगजेब ने पहले तो दारा शिकोह को हराया, उसके बाद उसने उसको एक मरियल से हाथी पे बैठा दिया,
उसको गरीब भिखारियों के कपड़े पहना है और पूरी दिल्ली में मतलब उसको मतलब टहलाया उसी हाथी पे, और जिसने भी अपने शहजादे का ये हाल देखा वो रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा। उसके बाद उसने उसका सर काट दिया, दारा शिकोह का सर काट दिया और प्लेट में फिर भैया औरंगजेब के सामने लेके आया, और उसने औरंगजेब ने उसका सर देखने से भी मना कर दिया कि मुझे देखना ही नहीं है, इतना ज्यादा नफरत करता था वो अपने भाई से। खैर उसकी बायोग्राफी अवेलेबल है। फिर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे आगरा में उसको कैद किया था, जो बिल्डिंग थी रेड फोर्ट आगरा में, ठीक है, वो दिल्ली वाला नहीं है, तो यहाँ पे उसको ताजमहल दिखता था, छोटी सी विंडो थी, इस तरीके से उसको कैद किया गया था कि जो उसने सबसे खूबसूरत चीज बनाई है वो दिखता था। सोचिए बेटे ने बाप को कैद कर लिया, गया कैद कर लिया। अब औरंगजेब को सबसे ज्यादा इनटॉलरेंट राजा माना जाता है, ठीक है, जितना ज्यादा बर्बरता। अब हालांकि इसमें भी डाइवर्स व्यूज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब को जो करना था वो करना पड़ा, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं औरंगजेब बड़ा ही एकदम क्रूर राजा था, ठीक है, जो भी हो दोस्तों, लेकिन क्रूरता तो औरंगजेब ने की। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई और मुमताज महल के बगल में ही जो इनकी दिली इच्छा थी इनको दफना दिया गया, और आज भी जो इनकी कब्र है वो मुमताज महल के बगल में ही मिलती है। अब एक स्टोरी ये कहती है कि शाहजहां ने जिन जिन ने यहां पे ताजमहल को बनाया, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे ताकि दोबारा ऐसी बिल्डिंग ना बनाई जा सके, ठीक है ना, तो ये भी चीज है, ठीक, ये चीज। उसके बाद दोस्तों हमने एक्सटीरियर डेकोरेशन की बात की थी, अब हम इंटीरियर डेकोरेशंस की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर इंटीरियर डेकोरेशंस की बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पित्रा द्यूरा सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मैंने बता दिया वो क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे जो वॉल्स हैं, इंटीरियर वॉल्स हैं, वो भी 25 मीटर हाई हैं, ठीक है, 25 मीटर है, और उसमें भी कार्विंग्स हैं बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद यहाँ पे आपको जो 4 सेंट्रल अपर आर्क है वो बालकनी बनाती है, और बालकनी हर बालकनी में यहाँ पे जाली वर्क है, बहुत ही खूबसूरत है। और एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपको अंदर जाना है तो यहाँ पे 200 रुपए एक्स्ट्रा पड़ते हैं, ठीक है, ताजमहल में आपको फिर 250 रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपए तो एंट्री के, अंदर जाने के 200 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब ठीक है कोई बात नहीं, टूरिज्म भैया यहाँ से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, लाखों लाखों लोग, इतने लोग यहाँ पे हम देखते हैं 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल अगर आते हैं तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा, अच्छी बात है, भारत सरकार के लिए अच्छी बात है। रेवेन्यू अगर नहीं होगा तो भैया डेवलपमेंट कहाँ से होगा, ठीक है ना, तो ये चीज है। तो यहाँ पे बालकनीज में जाली स्टाइल देखने को मिलता है और खूबसूरत मार्बल वर्क भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों ऐसा है कि जब 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई, इनफैक्ट 1658 में जब शाहजहां का रेन खत्म हुआ, तब औरंगजेब ने तो कोई इतना ध्यान दिया नहीं ताजमहल पे, उसकी तो पॉलिसी अलग थी, ठीक है, वो कोई आर्टिस्ट तो था नहीं, वो तो जमीन पे सोता था, वो तो बिस्तर पे भी नहीं सोता था, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि जब लॉर्ड कर्जन आए, लॉर्ड कर्जन को वैसे तो डेफिनेटली हमको डिवाइड एंड रूल भैया लॉर्ड कर्जन करके चले गए थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल करके चले गए थे, लेकिन उन्होंने काफी रिस्टोरेशन वर्क भी किए, ठीक है, जिसमें से एक ताजमहल था। तो ताजमहल को इन्होंने रिस्टोर किया और जब भारत को आजादी मिली तब ताजमहल भारत के पास आ गया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। वैसे तो काफी ज्यादा रिस्क है, आपको बता दूं कि ताजमहल को पॉल्यूशन, बगल में इंडस्ट्री है, बगल में यमुना है, फिर इंडस्ट्रीज को भी, क्योंकि इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है तो इसकी जो गुंबदें हैं, जो व्हाइट मार्बल है वो काला पड़ रहा है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ताजमहल को कई बार नुकसान भी पहुंचा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी ऑर्डर आया था कि सब कुछ हटाओ और इसको बचाओ ताजमहल को, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए कि अगर हम बात करते हैं, अभी तो ये 550 करोड़ में बनेगा, अगर आज के, उस समय तो खाली आप देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ में बन गया था, लेकिन अगर अभी बात करें तो इसकी कीमत 550 करोड़ है, ठीक है, और हर साल यहां पे 70 से 80 लाख विजिटर्स आते हैं, मजा उठाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, और अभी तो 7 अजूबों में से भी एक है। ये देख लीजिए दोस्तों ताजमहल शाम के वक्त कैसा लगता है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि ताजमहल बदलता रहता है, उसके रंग बदलते रहते हैं, ठीक है, चांदनी रात में आपको अलग दिखेगा, शाम को देखिए अलग दिखेगा, ये डिम है, तरीके से बनाया गया है कि यहां पे वेदर के हिसाब से ताजमहल अपना रंग बदलता है, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों शाम जब हो रही है तो किस तरीके से हल्का सा डिम लग रहा है, आपको दिख रहा है ना, व्हाइट मार्बल का ये कमाल है। उसके बाद ये कबर है, ठीक है, ये ओरिजिनल कबर है, ठीक है, शाहजहां और मुमताज की, और उसके बाद ये रेप्लिका है, ठीक है, ये देख लीजिए ये स्क्वायर डिजाइन में है और बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बहुत ही खूबसूरत है, ये लोगों को दिखाने के लिए रखी गई है और ये लोअर लेवल पे है, ठीक है, ऐसा ही होता है, ये तमगा है, ठीक है, ये क्या तमगा है,
मुगल्स का सिंबल है भैया, हर डायनेस्टी का अपना एक सिंबल होता है ना, ताजमहल के सबसे ऊपर सेंट्रल डोम में आपको यही तंगा मिलेगा, अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद ये मॉस्क में आर्कवेज है, देख लीजिए कितना खूबसूरत है यार। जैसे ही आप एंट्री करेंगे मस्जिद में, एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्टर्न वेस्ट साइड में ताजमहल के मस्जिद है, जैसे ही आप एंट्री करेंगे खूबसूरत देख खूबसूरती देखिए आप, ठीक है। और यहाँ पे नमाज भी पढ़ी जाती है, प्रेयर्स भी की जाती है, ठीक है। आर्कवेज देख लीजिए कितना अच्छा है, ठीक। उसके और ये पूरा रेड सैंडस्टोन का वर्क है, ये जाली वर्क है, ठीक है। ये देख लीजिए कि किस तरीके से जाली वर्क किया गया है, विंडोज जो है, ठीक है, यहाँ पे जालियों का वर्क, लैटिस वर्क। और ये मार्बल है, ये पूरा मार्बल है, ठीक है, व्हाइट मार्बल है ये, ठीक। उसके बाद ये देख लीजिए दोस्तों, यमुना की साइड से इसका व्यू कितना खूबसूरत है। ये दो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, मस्जिद है ना, देख लीजिए, ठीक है, और बीच में ताजमहल, वाह क्या बात है। ये 360 डिग्री, तो जाते जाते मैं पूरे 360 डिग्री व्यू के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। ये पैनोरामिक मोड है, विकिपीडिया से मैंने लिया है, ये देख लीजिए ताजमहल और बाकी जितनी भी इसकी बिल्डिंग्स है। गार्डन्स की बात करें दोस्तों, अगर गार्डन की बात करें तो चारबाग स्टाइल का गार्डन है, अब आपको ये पता ही है। गार्डन जो आप देख रहे हैं, ये पाथवेज जो है ना, ये थोड़े से रेज्ड है, उठे हुए हैं, ठीक है ना, उठे हुए पाथवेज है। और ये जो गार्डन जब आगे गया है तो ये फर्दर 16 फ्लावर बेड्स में डिवाइड है, ठीक है, तो ये और ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद यहाँ पे जो वाटर आता है सेंट्रल में, ठीक है, ये सेंटर में आप देख सकते हैं, ये वाटर टैंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब भैया चारबाग गार्डन आपको पता ही है कि भैया जो चार नदियां है ना, जन्नत में जाने के लिए, जन्ना पैराडाइज में जाने के लिए भैया वो डिपिक्ट करती हैं। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको बताया है वो कौन कौन सी नदियां हैं, वैसे वो एक्चुअली में नदी नहीं है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो क्या है जो बोला जाता है चारबाग स्टाइल गार्डन में, जो डिपिक्ट किया जाता है कि चार नदियां जो है जन्नत से रिलेटेड है, तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्या है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।